हां जी मित्रों सो हेलो वॉट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे सर बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल ऑडिट इस इस टॉपिक की एग्जाम में सर कितनी वेटेज है अराउंड फाइव टू सेवन मार्क्स अराउंड फाइव टू सेवन मार्क्स की वेटेज आप मान के चल सकते हो इवन जो आईसीआई ने अभी रिसेंट आर टीपी दी है किसके लिए नवंबर ट्वेंटी की उसमें भी उन्होंने सवाल पूछा है प्लस वो वाला जो सवाल है वो भी मैं आपको इस वीडियो में कराता जाऊंगा तो सर वीडियो का फ्लो क्या रहेगा

तो ये वीडियो किसके लिए जो जो बच्चे पास होना चाहते हैं जो जो बच्चे पास होना चाहते हैं बढ़िया वाले नंबर के लिए साथ ये वीडियो उनके लिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट फटाफट वीडियो पे अटेंडेंस लगा दे वीडियो को लाइक करके एंड यस लेट्स बिगिन विद द वीडियो तो जल्दी से सारे बच्चे पानी के दो घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी एंड लेट्स बिगिन विद द सेशन आ जाओ ऑल सेट यस सर चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले सर चैप्टर का नाम है इंटरनल ऑडिट क्या ये कोई हाईफाई बात है मैंने कहा नहीं एकदम सिंपल सी बात है अगर सीधी भाषा में बोलूं तो ये कुछ नहीं है ये है इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट ये है इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट जो बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले पूरा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे रखना जैसे मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता चलू कनेक्शन करता चलू उसको साथ साथ रिवाइज करते चलना जब मैं कोई सवाल पूछू तो चैट बॉक्स पे दे देना ठीक है ठीक है सर रेडी तो सर सबसे पहले ये बोलता है इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट अग्ण। अब इसको अंग्रेजी भाषा में लिख के बताओ तो आईसीआई नंबर देगा इसको अब आप अंग्रेजी भाषा में उतार के दिखाओ तो आईसीआई नंबर देगा तो सबसे पहले सर ऑडिट उठा लेते हैं ऑडिट का मतलब क्या है ऑडिट का मतलब है इंडिपेंडेंट अश्योरेंस इंडिपेंडेंट अश्योरेंस यानी क्या इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होना चाहिए नहीं सर क्या इंटरनल ऑडिटर शेयर होल्डर्स के साथ मिला होना चाहिए आंसर इज नो ही शुड बी इंडिपेंडेंट जैसे स्टेचुट्री ऑडिटर होता था यह भी इंडिपेंडेंट होगा तो यह इंडिपेंडेंट अश्योरेंस अब किसके ऊपर देनी है ऑन द इंटरनल कंट्रोल तो आप बताओगे कि जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे प्रोसेस लगा रखे हैं क्या वो प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं अब मजे की बात है इसी डेफिनेशन में कंट्रोल्स के साथ चिपक के कंट्रोल्स के साथ चिपक के एक वर्ड और आ जाता है सर उसका नाम क्या है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पता होगा तो सर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है रिस्क है तो कंट्रोल है स्कैम 1992 ने सिखाया था रिस्क है तो इश्क है बट हमने क्या सीख रखा है रिस्क है तो कंट्रोल है सो फॉर एग्जांपल अगर एक रिस्क है कि अनऑथोराइज परचेजेस हो सकती है तो इसके लिए कंट्रोल क्या है

क्या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फंक्शन करेगी प्लीज गिव मी द आंसर इन द बॉक्स बंद हो जाएगी या प्रॉपरली फंक्शन करेगी साथ साथ एकदम कनेक्ट होके चलेंगे मजा आएगा सर कंटिन्यू करेगी कंटिन्यू करेगी प्रॉपरली फंक्शन करेगी यस और नो यस सर तो प्रॉपर फंक्शनिंग को प्रॉपर फंक्शनिंग को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं गवर्नेंस यानी इट विल एनहेंस द गवर्नेंस एंड एंटिटी विल बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव क्या डेफिनेशन सबको हाँ सब लहजे में लिखो ऑडिट मतलब इंडिपेंडेंट अश्योरेंस इंटरनल कंट्रोल मतलब इंडिपेंडेंट अश्योरेंस कंट्रोल प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे रिस्क मैनेज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर पाएगी यानी इट विल इनहेंस द गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव प्लीज गिव मी अ डन डना डन इन दैट बॉक्स इज द इफ द डेफिनेशन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू जल्दी से बता दो मित्रों

ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो इंटरनल ऑडिटर है उसका क्या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है तो सर सिंपल सी बात है मुझे बताओ इंटरनल ऑडिटर किस पे फोकस करेगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंटरनल कंट्रोल अच्छे होने चाहिए कम ऑन इंटरनल ऑडिटर का फोकस किस पे होगा इंटरनल कंट्रोल अच्छे होने चाहिए तो पहला काम इसका है मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल अब इसमें आईसीए एक एग्जांपल लेता है इंटरनल कंट्रोल्स का ये चीज आपने अपने आर्टिकल शिप में भी बहुत बार देखी होगी थ्री वे मैच सर थ्री वे मैच क्या होता है आज अगर मुझे एमेजोन से कुछ ऑर्डर करना है तो पहले मैं क्या करता हूं ऑर्डर डालता हूं फिर Amazon क्या करता है इनवॉइस जनरेट करता है फिर गुड्स मेरे पास डिलीवर हो जाते हैं और मैं अपनी गुड्स को देख लेता हूं और लास्ट में क्या होती है पेमेंट होती है सर ऑर्गेनाइजेशंस के केस में कंपनीज के केस में पेमेंट जनरली बाद में होती है तो घबरा मत जाना पेमेंट बाद में क्यों हो रही है तो यही प्रोसेस आपने आंसर में लिखना है तो थ्री वे मैच का क्या मतलब है

सर ऑपरेटिंग से भी लेना देना होता है कहीं ना कहीं दोनों से हमारा लेना देना होता है तो अगला पॉइंट कहता है जब आप इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन एग्जामिन करनी पड़ेगी कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जामिन करेंगे दोनों समोसे खाओगे या पेस्ट्री बोलो दोनों <laughs> तो हम भी एग्जामिन करेंगे दोनों सर क्या फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया पहले परचेजेस का एग्जाम्पल दिया था परचेजेस की उल्टी आती है सेल्स

जो डिलीवरी रिकॉर्ड्स हैं कितनी गुड्स डिलीवर हुई ये ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सेल्स कमीशन क्या हो गई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सो दिस इज बेसिकली व्हाट सर दिस इज योर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन जिसमें क्या आ गया सबसे पहले सेल्स रिकॉर्ड्स फिर डिलीवरी हो गई और डिलीवरी के बाद हमने दे दी कमीशन तो ये एक एक्साम्पल आप ध्यान रख चलोगे इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियर यस सर तो सबसे पहले मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मॉनिटर करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन देखेंगे फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन गॉट इट सर अब ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन से निकाल लो थर्ड पॉइंट ये क्या है रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सारे के सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ परचेजेस और सेल्स होती किस चीज की परचेजेस और सेल्स होती किस चीज के वही आपका थर्ड एग्जांपल बन जाएगा मित्रों जल्दी से बता दो वट इज कॉमन बिटवीन परचेजेज एंड सेल्स सर इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री इज कॉमन सो अगला पॉइंट क्या हो गया

दियाऑफ द न्यू टैक्स रिजिन ठीक है चार पॉइंट क्लियर है सर पांचवाइंट कहता है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है, के लिए कंट्रोल्स लगाना रिस्क के लिए कंट्रोल्स लगाना बट एग्जाम में सिर्फ मैंने ये लिख दिया ना रिस्क के लिए कंट्रोल लगाना

या कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है ठीक है सर एंड आखिरी में आता है governance. Governance का मतलब होता है एंटिटी ठीक से फंक्शन तो करती है सर उसके अंदर क्या सारी और परंपरा, अनुशा, अनुशासन ढेर सारी एथिक्स एंड वैल्यूज के साथ एंटिटी को फंक्शन करना चाहिए अब मजे की बात क्या है सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए अब एग्जाम में कैसे याद रखेंगे कहा बड़ा सिंपल है हमारा इंटरनल ऑडिटर का क्या वो है सर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कि मेरी गवर्नेंस अच्छी रहे मेरी गवर्नेंस का क्या मतलब है बात नहीं करेंगे ठीक है हम बात करेंगे अब मेरी गवर्नेंस की सर मेरी गवर्नेंस का क्या मतलब है एम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इसके लिए अब हम ई e फॉर क्या करेंगे ई फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन ओ इसके अलावा ई e से और क्या था सर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन से निकला ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी यानी आर फॉर रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड उसके बाद रिव्यू और क्या किया था कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन सर अभी भी गेम खत्म नहीं हुई है आर आई से क्या था आर आई से आएगा रिस्क मैनेजमेंट इसमें शुभम सर ने क्या पॉइंट दिया था कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिस्क एक्सपोजर की बात करेंगे एंड लास्ट में आएगा गवर्नेंस लास्ट में आएगा गवर्नेंस यानी गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स एंड वैल्यूज क्लियर है क्लियर है सर सारे के सारे बच्चे जल्दी से अपनी किताब पे आ जाओ देख लेते हैं फटाफट -फड़ गो थ्रू करते हैं इंडिकेटिव ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरी मेरी governance, मेरी गवर्नेंस गवर्नेंस एकदम बढ़िया रहनी चाहिए सर एम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स ई फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इसकी बात भी करेंगे उसके बाद मैंने क्या बोला था सर इसके बाद आता है ईव e, आर के बाद आर का मतलब था रिव्यू ऑफ

सर अब सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे एकदम मरियल वाले टॉपिक पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट के कौन सा सेक्शन है सेक्शन नंबर 138। 139 नाइन से स्टेच्यूट्री ऑडिट शुरू होता है तो सेक्शन 138 लगता है इसके ऊपर अब 138 के साथ रूल कौन सा आएगा सर 138 का 8 दो 138 का 8 काट दो बचा 13 तो ये आ गया आपका रूल नंबर होगा सर, जो चीज़ सब पे जो जो entity पे सब कुछ एप्लीकेबल होता है यानी जब मैं बात करता हूं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो इसकी लिमिट्स क्या थी पच्चीस पचास सौ 200 सारे के सारे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करके चलो पच्चीस पचास सौ 200 अब सर ये 25 50 100 200 क्या है कोई भी लिमिट पार हो गई तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा तो सबसे पहले आता था जनरली पेड अप शेयर कैपिटल बट यहां पे हम बात करेंगे डिपॉजिट्स की तो डिपॉजिट्स पेड अप शेयर कैपिटल उसके बाद आएगा बोरिंग्स बोरइंग्स के बाद टर्नओवर सारे के सारे बच्चे वापस बोलो मेरे साथ डिपॉजिट्स पेड अप शेयर कैपिटल बोरइंग्स टर्नओवर अब सबके केस में ग्रेटर देन इक्वल टू है सबके केस में ग्रेटर देन इक्वल टू है बट बोरोइंग बदमाश है बबली बदमाश है तो याद रखना बोरोइंग बदमाश है इसके केस में है बाकी सबके केस में got, got yes, में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यू गॉट गॉट द पॉइंट और नॉट यस सर बोरोइंग्स एक बदमाशी और है सर क्या ये सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली आप कंसिडर करोगे अगर मैंने किसी कॉर्पोरेट से बोरिंग करेगी तो वो इसमें पार्ट नहीं बनेगी ठीक है सर एंड लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे क्या जो बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स के, के केस में कॉमन है इट कैन बी एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपकी चीज एक्सीड हो सकती है तो कभी भी एक्सीड हो गई तो यह एप्लीकेबल हो जाएगा तो ये लिमिट ध्यान रखेंगे इसमें एमसी क्यू आ सकता है आपके पास पच्चीस पचास सौ दो सो डिपॉजिट पेड ऑफ शेयर कैपिटल उसके बाद बोरिंग्स एंड टर्न ओवर बदमाश कौन है बोरिंग्स बदमाश है क्योंकि उसमें एक्सीडिंग आता है एंड डिपोजिट्स और बोरिंग्स के, के केस में एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर गॉट द पॉइंट ऑन ऑट यस सर लास्ट में आ जाता है हमारे पास प्राइवेट कंपनी इसमें बस दो ही लिमिट्स देखनी है सौ करोड़ और दो सौ करोड़ वाली जो आपने ऊपर ऑलरेडी सीख रखी है ठीक है ठीक है सर आखिरी में कहता है जब भी कोई कंपनी इस क्राइटेरिया में कवर हो जाएगी छह महीने के अंदर अंदर उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा उसके बाद हमने क्लास में एग्जांपल डिस्कस किया था एक बार फटाफट आप इसको गो थ्रू कर सकते हो अगर कोई कंपनी है जिसकी इमिजिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यूज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कौन सी दो लिमिट सिखाई थी शुभम सर ने सौ करोड़ और दो सौ करोड़ बोरइंग और टर्नओवर वाली तो पेड अप शेयर कैपिटल तो हमारे काम की नहीं है ये कहता है टर्नओवर है 260 करोड़ तो क्या 260 करोड़ के केस में इस पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा जल्दी से बता दो मित्रों कम कम ऑन ऑन कम ऑन जल्दी से बताओ विल द इंटरनल ऑडिट नाउ बी एप्लीकेबल ऑन इट द आंसर इज यस क्योंकि 260 करोड़ ये आपका 200 करोड़ से ज्यादा हो गया ये आपका 200 करोड़ से ज्यादा हो गया तो यस इंटरनल ऑडिट विल बी एप्लीकेबल टू द सेम अब सवाल आता है हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर सर कोई भी सारे बच्चे बोलो मेरे साथ कोई भी कोई भी का क्या मतलब है एनी पर्सन कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट हो प्रैक्टिस में हो नहीं हो कोई और प्रोफेशनल हो आपको इंटरनल ऑडिटर बना सकते हैं ठीक है सर प्लस यू कैन बी और नॉट बी यू कैन बी और नॉट बी कोई भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है बस उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मजे की बात क्या है स्टेचरी ऑडिट के केस में शुभम सर बोलते थे इंडिविजुअल और फर्म यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट भी चलेगा यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट भी चलेगा तो ध्यान रखना इंडिविजुअल फर्म बॉडी कॉर्पोरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और नॉट और एनी अदर प्रोफेशनल मे और मे नॉट बी द इंप्लॉय ऑफ द कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही लगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही लगे वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है

आफ्टर द इंडस्ट्रियस करियर इन आई एस सर्विस पच्चीस साल का कर, करियर है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में बंदे का ये क्या कर रहा है जो हमारा प्रतीक है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ है ठीक है सर ये बनने वाला है चीफ इंटरनल ऑडिटर क्या चीफ इंटरनल ऑडिटर पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ बन सकता है मैंने क्या कहा था कोई भी बन सकता है सर कोई भी बन सकता है तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो क्या उसको इंटरनल ऑडिटर बना सकते हैं हाँ, बना सकते हैं तो देखो सिंपल सी बात कहता है इंटरनल ऑडिटर शेदर बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट और एनी अदर पर्सन डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द कंपनी यहां पर यह कहता है क्योंकि उसके बाद नेसेसरी एक्सपीरियंस है पच्चीस साल का तो ही कैन बिकम द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी क्लियर है जल्दी से सारे बच्चे बताओ आर दीज प्रोविजन क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू अगर हाँ तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे क्रिटिकल एक्टिविटीज पानी के दो घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में डंडन दन आ दन चलो सर इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी इंटरनल ऑडिट की बड़े बड़े क्वेश्चंस में दिखेगी अभी ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग था ऑसम awesome. अब आ जाओ क्रिटिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं सर, जब भी मैं बोलूंगा ऑडिट फंक्शन तो इसमें आपने क्या बताना है नाम है क्रिटिकल एक्टिविटीज आप बताओगे सारी बातें आप बताओगे सारी बातें सर सारी बातें का क्या मतलब है सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे पूरा गेम समझाना इंटरनल ऑडिटर काम कैसे करता है सर सबसे पहले सबसे पहले ये लोग अपना प्लान बनाते हैं प्लान क्या बनाते हैं कि भाई हमें इंटरनल कंट्रोल्स का ख्याल रखना है उसके बाद अपना स्कोप बनाते हैं कि कौन कौन से एरियाज चेक करेंगे रेवेन्यू चेक करेंगे परचेजेस चेक करेंगे अकाउंटिंग फंक्शन चेक करेंगे वट आर द स्कोप प्लस कैसे चेक करेंगे एज पर द स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट क्या मैथडोलॉजी रहेगी तो यह अपना प्लान बनाते हैं स्कोप बनाते हैं मैथडोलॉजी बनाते हैं क्या ऐसे एक दिन के लिए या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पीरियोडिक बेसिस पे तो जनरली क्वार्टरली बेसिस पे प्लान स्कोप है. है को पूरा करने के लिए इनको असाइनमेंट उठाने पड़ेंगे हाँ इसके लिए इनको ऑडिट असाइनमेंट उठाने पड़ते हैं अब क्या ऑडिट असाइनमेंट भी ऐसे कूद जाए करने के लिए या इसको भी प्लान करना पड़ेगा सर इसको भी प्लान करना पड़ेगा तो पहले प्लान करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं फिर जो इनको कमियां मिलती हैं उसको रिपोर्ट करते हैं कि यहां इंटरनल कंट्रोल खराब है अच्छा सिर्फ कमियां बताएंगे या कमियों को ठीक भी करवाएंगे सर कमियों को ठीक भी कराते हैं उनको क्लोजर भी करते हैं सो वेरी सिंपल ऑडिट असाइनमेंट क्या होगा प्लान होगा एग्जीक्यूट होगा एग्जीक्यूट होने के बाद क्या कराएंगे कमियां बताएंगे अच्छा यहां पर कंट्रोल खराब है रिपोर्ट द फाइंडिंग्स एंड लास्ट में क्या होगा क्लोजर होगा क्लियर है क्लियर है सर अब ये ऑडिट असाइनमेंट कौन करेगा अब ये ऑडिट असाइनमेंट कौन करेगा मैंने कहा टैलेंटेड स्टाफ और अगर स्टाफ में टैलेंट की कमी है तो एक्सटर्नल एक्सपर्टीज भी लाएंगे कम ऑन जो असाइनमेंट है वो कौन करेगा टैलेंटेड स्टाफ करेगा अगर स्टाफ में टैलेंट की कमी है तो एक्सटर्नल एक्सपर्टीज लाएंगे अब सर टैलेंटेड स्टाफ का क्या मतलब है जो भी स्टाफ टैलेंट है एंड रिसोर्सेज जो भी स्टाफ टैलेंट एंड रिसोर्सेज है उसको पहले प्लान करो हर चीज में प्लान हो रहा है हर चीज में प्लान हो रहा है मैंने कहा हाँ हर चीज में प्लान हो रहा है तो हर चीज में यहां पे भी क्या करेंगे प्लान करेंगे बट क्या मैं स्टाफ को एग्जीक्यूट कर सकता हूं नहीं स्टाफ को एक्वायर करना पड़ता है रिक्रूट करना पड़ता है तो प्लान एक्वायर उसके बाद फ्री में तो नहीं आया काम पे लगाओ इंगेज करेंगे एंड आखिरी में उसका काम रिव्यू करेंगे सो so, प्लान किया एक्वायर किया काम पे लगाया रिव्यू किया कम ऑन प्लान किया एक्वायर किया काम पे लगाया रिव्यू किया तो पूरे के पूरे स्टाफ से, तो सर, क्या, का स्टाफ ये कर पाएगा मैंने कहा नहीं हमको लगेगी एक्सटर्नल एक्सपर्टीज तो एक्सटर्नल एक्सपर्टीज और टेक्निकल सोल्यूशन वगैरह की मदद ले सकते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करो सोर्स करो और काम पे लगाओ आइडेंटिफाई किया सोर्स किया और काम पे

सो आई होप द फाइव स्टेप प्रोसेस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सारे सारे के सारे बच्चे फटाफट रिकॉल कराओ सबसे पहले सर स्कोप डिफाइन द प्लान स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑन बेसिस स्कोप को अचीव करने के लिए हमने क्या करें ऑडिट असाइनमेंट ऑडिट असाइनमेंट कौन करेगा टैलेंटेड स्टाफ प्लस एक्सटर्नल एक्सपर्टीज एंड आखिरी में कम्युनिकेट द स्टेटस एंड प्रोग्रेस जल्दी से आ जाओ किताब पे फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे स्कोप बनाएंगे तो सर सबसे पहला पॉइंट कहता है डिफाइन द ओवरऑल प्लान स्कोप एंड मेथडोलॉजी ऑन पीरियॉडिक बेसिस अब स्कोप को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कम ऑन सेकेंड पॉइंट आई नीड इन दैट बॉक्स पूरा फ्लो आप लिखते हुए चलोगे मेरे साथ तभी मजा आएगा तभी साथ में रिविजन होगी वरना तो रिविजन वीडियो में से मैं रिवाइज कर रहा हूं आप थोड़ी कुछ कर रहे हो बच्चे ने एकदम सही लिखा असाइनमेंट करेंगे असाइनमेंट का क्या मतलब था मैंने कहा असाइनमेंट में भी पहले प्लानिंग करते हैं एग्जीक्यूशन करते हैं एग्जीक्यूशन के बाद फाइंडिंग्स रिपोर्ट करते हैं फाइंडिंग्स फाइंडिंग्स के के बाद बाद क्लोजर क्लोजर कराते कराते हैं हैं हम उसका closure कराते हैं, अब ये काम करेगा कौन सर दो बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे Allah के बंदे सर अल्लाह के बंदे मतलब मैंने कहा यहां पे आएंगे प्रोफेशनल स्टाफ प्रोफेशनल स्टाफ और टैलेंटेड लोग आएंगे इनको भी क्या करना है प्लान करना है उसके बाद रिक्रूट करना है इंगेज करना है रिव्यू करना है तो ये सारी चीजें हम करते चलेंगे उसके अलावा और क्या करेंगे मैंने कहा उसके अलावा एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और टेक्निकल सॉल्यूशंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड करेंगे, 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 आखिरी में कम्युनिकेट करेंगे आखिरी में कम्युनिकेट करेंगे ऑल की स्टेक होल्डर्स को कि क्या प्रोग्रेस है और हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव आखिरी में जल्दी से सारे बच्चे इसका पूरा फ्लो मेरे साथ बना लो सबसे पहले क्या आएगा स्कोप स्कोप के बाद हम प्लान आएगा स्कोप आएगा मेथडोलॉजी आएगी अब हमने जब स्कोप की बात की तो स्कोप के अचीव करने के लिए हमने क्या करें असाइनमेंट करें वेरी गुड वेरी गुड यह असाइनमेंट कौन करेगा सर दो लोग करेंगे बताओ कौन कौन एक तो हमारा टैलेंटेड स्टाफ उसके अलावा हम लाए एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और आखिरी में क्या किया कम्युनिकेट आखिरी में हमने कर दिया कम्युनिकेट क्लियर है बॉस क्लियर है सर एकदम बढ़िया तरीके से पूरा फ्लो हम सबको क्लियर है अब अगला क्वेश्चन पूछता है वॉट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर किसको लेके अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड सारे के सारे बच्चे पानी के दो घूंट लगाए एट चैट बॉक्स में रेडी आ जाओ मेरे साथ एक्सटर्नल एक्सपर्टीज के साथ हाँ टेक्निकल सोल्यूशन भी आ जाए क्योंकि हमने टेक्निकल हेल्प ली थी कम्युनिकेशन ऑफ द स्टेटस एंड द दर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव चलो अब आ जाओ मेन स्टेक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं अब सर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बता दो जरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बता दो जरा तो मैंने कहा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगती है सर हमको लगती है कि इंटरनल ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल का ख्याल रखना जो इंटरनल कंट्रोल है हमें उसका ख्याल रखना है तो आपका पहला पॉइंट एकदम परफेक्ट है एकदम परफेक्ट पॉइंट बोला आपने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेंटेन

अब मैं अकाउंटिंग के स्टाफ के साथ बैठा हूं अब मैं अकाउंटिंग के स्टाफ के साथ बैठा हूं बताओ मुझे क्या याद रहे सर पिघलना नहीं है पिघलना नहीं है बच्चे ने बिल्कुल सही कहा पिघलना नहीं है मतलब यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ आप कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व मत हो जाना ऐसा ना होना कि आप खाली बैठो तो कोई आपसे अकाउंटिंग एंट्री पास करा ले तो याद रहे पिघलना नहीं है पिघलना नहीं है यानी डोंट इन्वॉल्व योर इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ठीक है सर प्लस रिमेन इंडिपेंडेंट सो ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ इसका क्या मतलब है डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो सर क्या करें मैंने कहा किसी के दूर किसी के पास बोलो सारे बच्चे मेरे साथ किसी के दूर किसी के पास सर किससे दूर रहना है मैंने कहा आपने दूर रहना है इन अकाउंटिंग वाले लोगों से इन अकाउंटिंग वाले लोगों से दूर खड़े होकर ऑब्जर्व करो क्या फैक्ट्स और सिचुएशन से क्या क्या दिक्कतें हैं और इनको जाके हायर अथॉरिटीज को बताओ तो जैसे होता था ना क्लास में एक मॉनिटर होता था जो चुगली करता था दूर खड़े होकर देखता रहता था क्या क्या बच्चे बदमाशी कर रहे हैं और जाके टीचर को बता देता था हां वही आपने करना है सो ऑब्जर्व द फैक्ट्स एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटी समझ गए सर अब सर किसके पास रहना है मैनेजमेंट के पास रहना है सो स्टे क्लोज टू द मैनेजमेंट और उससे पूछो नई-नई बातें क्या चल रही है तो क्या पांचों पांचों के क्लियर जल्दी से बता दो मित्रों हाँ सर तो एक बात आई होप सबको कहीं ना कहीं क्लियर है सर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है? मेंटेन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेंटेन लेके सर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लेकर तो बट याद रहे पिगलना नहीं है ऑपरेट इंडिपेंडेंटलीफ दिन फंक्शन तो सर क्या करें मैंने कहा किसी के दूर किसी के पास दूर खड़े होके ऑब्जर्व करो फैक्ट्स एंड सिचुएशन ब्रिंग दैम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटी एंड एसोसिएट क्लोजली विद कीप द नॉलेज अप टू डेट एंड लास्ट में कंक्लूजन क्या है एट ऑल टाइम enjoy at all time enjoy independent status last time फटाफट -फड़ मेरे को रिकॉल करा दो तो मजा आ जाएगा सर सबसे पहले सबसे पहले हमें मेंटेन करना है एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को स्टडी करके वेरी गुड क्या करें मैंने कहा ध्यान से समझना ध्यान से समझना क्या करें बाद में आता है पहले याद रहे याद क्या रहना डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी स्टे इंडिपेंडेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ तो क्या करें किसी के दूर किसी के पास दूर मतलब दूर खड़े हो जस्ट ऑब्जर्व द फैक्ट्स एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ हायर अथॉरिटीज हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में बताना है एंड पास यानी वर्क क्लोजली विद द मैनेजमेंट सो दैट जो भी नॉलेज है वो आप अप टू डेट रखो एंड कंक्लूजन क्या था इंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस सारे बच्चे बोलेंगे इंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस मैं मुझे एक बात बताओ क्या मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाऊं बढ़िया वाली हाँ सर एकदम बढ़िया वाली चीज दिखाओ मैंने कहा एकदम बढ़िया वाली चीज दिखाओ तो वेट गिव मी अट एंड आई विल शो यू एकदम बढ़िया वाली चीज फिर तुम भी बोलोगे सर क्या मस्त चीज दिखाई मजा आ गया एक मिनट दो तुमको क्या लग रहा है ये टॉपिक हम ऐसी मजे मजे में करे जा रहे हैं ये आईसीए नहीं पूछेगा एक बार आना जरा एक बार आना जरा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा इसका जल्दी से पढ़ो रीड द क्वेश्चन सेवनटीन का ए पार्ट जल्दी से जल्दी से देखो सेवनटीन का सर ए पार्ट क्या कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ड्यूरिंग द रिव्यू ऋषि नोटिस सेवरल डिस्क्रिपेंसीज इन द Disbursement records and suspect there might be weakness in the internal control system. Plus, there have been changes in the company's policies he was not informed about. Rishi is concerned about maintaining independence and objectivity while being aware of these issues. What are the responsibilities of Rishi as internal auditor with respect to accounting function and financial records? प्लीज प्लीज टेल टेल मी मी क्या आंसर आएगा इसका सर वही जो अभी सिखाया है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैंने कहा सिंपल सी बात है मेंटेन एडिक्वेट सिस्टम याद रहे डोंट इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग फंक्शन उसके बाद मैंने और क्या बताया था सर डोंट इन्वॉल्व का मतलब है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमें एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना इंडिपेंडेंट रहना है फ्रॉम द अकाउंटिंग फंक्शन बट करें क्या सर क्या करें मैंने कहा क्या करेगा मतलब है दूर और पास यानी ब्जर्व द फैक्ट एंड सिचुएशन ब्रिंग दम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटीज पास यानी वर्क क्लोजली विद मैनेजमेंट टू कीप यर नॉलेज अपू डेट एंड लास्ट में इंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस क्या आरटीपी का क्वेश्चन डंडन आडंडन क्या आरटीपी का क्वेश्चन डंडना डंडन आंसर इज यस सर डंडना डंडन तो यही बेसिक सी चीज आप एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रख के चलेंगे अब आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट टॉपिक पे स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क क्या स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क हमको पूरा पढ़ के चलना है मैंने कहा नहीं जो पहले चार पॉइंट्स हैं इनको तो बस सर रीड करके चलेंगे इनको हम बस रीड करके चलेंगे समझ के चलेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं तो इसमें क्या करना इंटरनल कंट्रोल्स देखो कितने इफेक्टिव हैं जो आपकी ऑडिट रिस्क है उसको कम करके चलना है तो ऑडिट रिस्क आते हैं क्लास में पीओ वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जब भी परचेज ऑर्डर जनरेट होता है तो सर क्या होना चाहिए सीनियर के कंप्यूटर में पॉपअप आ जाना चाहिए कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर होता है सर जब भी मैं पीओ जनरेट करूं एज ए जूनियर सीनियर के कंप्यूटर में पॉपअप आ जाए और वो वहीं से अप्रूव दे तो बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखना एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस देखेंगे ऑडिट रिस्क कम रखेंगे कंट्रोल्स को सिस्टम्स में इनबिल्ट करके चलेंगे प्लस लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल्स को ध्यान रखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर फोर में ऑलरेडी कवर करते हैं फिर ये कहता है सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए आप क्या-क्या ध्यान -क्या रखोगे कि जो एसेट्स रिकॉर्डेड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो रिकॉर्डेड हैं यानी एग्जिस्टेंस देख लो ऑल द एसेट्स आर अकाउंटेड फुली इसके साथ-साथ आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज देख के चलोगे जो ऑलरेडी हम डिटेल में कवर करते हैं कि जो ऑथोराइज करने वाला बंदा है जो एग्जीक्यूट करने वाला बंदा है जो फिजिकल कस्टडी वाला बंदा है ये सब अलग अलग होने चाहिए ठीक है एंड आखिरी में कहता है इनटेंजिबल एसिड्स के कंट्रोल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर्स रिलेटेड टू क्रेडिट कंट्रोल जिन दो चीजों का कोई लेना देना नहीं ठीक है तो बस रीड करके चलना उसके बाद कहता है पॉलिसीज में देखना कोई वीकनेस है अगर वीकनेस है तो ये नहीं कि कमी कमी बता के चलेगा नहीं 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 आपको उसका रेमेडियल एक्शन भी बताना पड़ेगा अब सर रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे जितने अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम उतनी रिलायबल इंफॉर्मेशन निकलेगी ठीक है सर फिर आता है रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन का क्या मतलब है जहां भी कंट्रोल्स डगमाडोल थे जहां भी कंट्रोल्स डामा डोल थे कंट्रोल्स फॉलो नहीं हुए फॉर एग्जाम्पल कोई परचेज ऑर्डर था जो अप्रूव हो गया या यू कैन से जो एग्जीक्यूट हो गया जो परचेज एग्जीक्यूट हो गई बिना किसी अप्रूवल के तो क्या मैं बोल दूं ये एक्सेप्शन है हाँ सर ये एक्सेप्शन है तो इस तरह की रिपोर्ट जनरेट होती है जहां पे कंट्रोल फॉलो नहीं हुए अब आ जाओ सारे बच्चे मेन टॉपिक पे रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पानी के दो घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में रेडी फटाफट क्विकली 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रेडी रेडी सर अब सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है ये चार्ट है मेरिको का ठीक है अब मेरिको में सर क्या होता है सबसे पहले होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब सीईओ सीओ सी टीओ सी एफ ओ यह सब कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ टेक्निकल ऑफिसर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये सब लोग हो गए ठीक है सर अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस फाइनेंस में सबसे ऊपर कौन बैठता है

चार्ट ओ तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखा रहा हूं क्या ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एकदम सिंपल है हाँ सर सिंपल है सेल्स कमर्शियल कमर्शियल कॉर्पोरेट हमको समझ आ रहा है क्या ये इकोनॉमिकल है हाँ सर ये इकोनॉमिकल है अच्छा एक बात बताओ क्या सेल्स कमर्शियल और परचेज कमर्शियल में कोई ऊपर नीचे या सबको इको लेवल पर रखा है सब इको लेवल पे रखा है सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विच शुड बी सिंपल इकोनॉमिकल नो फंक्शन शुड इंजॉय किस तरह से एक्टिविटीज ग्रुप्ड है सेल्स की एक्टिविटी यहां ग्रुप्ड है परचेज की एक्टिविटी यहां ग्रुप्ड है कॉर्पोरेट की एक्टिविटी यहां ग्रुप्ड है यानी हम क्या बोल रहे हैं मैनर इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड क्या दो चीजें देख के पता चल गई हां सर तो जो मैंने आपको फोटो दिखाई उससे हमने क्या सीखा सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है सिंपल क्लियर इकोनॉमिकल प्लस हमको समझ आता है किस मैनर में एक्टिविटीज ग्रुप्ड है ठीक है सर अब इस मूवमेंट पे मोस्टली सीए फाइनल स्टूडेंट्स भूल जाते हैं अगला पॉइंट क्या लिखना है ये बात बताओ जो ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है इसमें क्या आ रहा है सबसे ऊपर हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट इसके नीचे कौन है मैनेजर इसके नीचे कौन है जूनियर मैनेजर वन जूनियर मैनेजर टू जूनियर मैनेजर थ्री तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन दौड़ रहा है सर नीचे से ऊपर दौड़ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से नीचे दौड़ रही है अथॉरिटी नीचे से ऊपर दौड़ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से नीचे अथॉरिटी तो अगले पॉइंट किसके आएंगे अथॉरिटी के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के दो पॉइंट्स आपने ध्यान रखने सर क्या आर और आर R1 कहता है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड क्वार्टर के स्टाफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड क्वार्टर के स्टाफ की वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए किसके साथ विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑपरेटिंग यूनिट तो हेड ऑफिस और ब्रांचेस हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप नहीं करनी चाहिए बिकॉज सेम बंदे दोनों काम करेंगे तो बकवास है टाइम वेस्ट हो रहा है एनर्जी वेस्ट हो रही है रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड नॉट ओवरलैप बिटवी द हेडक्वार्टर एंड द ऑपरेटिंग यूनिट ठीक है सर दूसरी पॉइंट क्या कहता है दूसरा पॉइंट कहता है जहां भी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड नहीं हो सकती One be सर, पहले क्या पढ़ना है प्रायोरिटी में क्या पढ़ना है तो आकाश सर अगर बैठे तो मैं बोलूंगा एफ आर पढ़ना है अगर नहीं बैठे तो ऑडिट पढ़ो तो वे आर द डूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कांट भी अवॉइडेड प्राइमरी वन शुड भी स्पेसिफाइड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले दो पॉइंट क्लियर है हाँ सर अब आ जाओ अथॉरिटी पर सर अथॉरिटी का क्या मतलब है एक बंदे के अंदर कितने लोग काम करेंगे एक बंदे के नीचे कितने लोग काम करेंगे तो एक बंदा जितने लोगों को कंट्रोल करता है ना उसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल तो एक बंदा जितने लोगों को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल तो क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए एक बंदा जितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है वो ज्यादा होना चाहिए रीजनेबल सर वो रीजनेबल होना चाहिए सो अथॉरिटी वाला पॉइंट कहता है रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब नंबर ऑफ सबिनेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल प्लस एक बंदे को एक ही बंदा कंट्रोल करे एक बंदे को एक ही बंदा कंट्रोल करे इसको क्या कहते हैं यूनिटी ऑफ चेन ऑफ डिमांड सारे बच्चे करेंगे मेरे साथ एक बंदे को एक ही बंदा कंट्रोल करे इसको क्या कहते हैं यूनिटी ऑफ चेन ऑफ डिमांड यानी देर शुड बी ऑफ यूनिटी ऑफ डिमांड ईच पर्सन शुड रिपोर्ट टू वन सुपीरियर ओनली सारे बच्चे मुझे बताएंगे पांच पॉइंट जो मैंने आपको अभी सिखाया पांच पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपने सीखे सर सबसे पहले तो चार्ट हमने देखी चार्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट जो एकदम सिंपल था क्लियर था इकोनॉमिकल था किसी भी फंक्शन का अंड्यू डोमिनेंस नहीं था सब एक ही लेवल पे थे वेरी गुड दूसरी चीज आपने क्या सीखी किस तरह से एक्टिविटीज ग्रुप्ड है सेल्स एक्टिविटी परचेज एक्टिविटी अदर एक्टिविटीज अगले दो सारे पॉइंट्स भूल गए जल्दी से बताओ कौन से पॉइंट्स भूल गए ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे कौन ऊपर नीचे भाग रही थी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉसिबिलिटी के दो पॉइंट क्या थे ओवरलैप नहीं करनी चाहिए जहां डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं हो सकती देखो ओवरलैप में दो दो आ गई ना जहां ओवरलैप की बात हो रही है दो दो आ गई जहां डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं हो सकती प्राइमरी वन शुड बी स्पेसिफाइड प्लस अथॉरिटी का पॉइंट क्या था स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड स्पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड यानी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो रीजनेबल होना चाहिए एंड यूनिटी ऑफ कमांड क्या पांचों के पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं जल्दी से बता दो मित्रों इजी यस सर अब अगर आप क्वेश्चन बैंक पे आते हो अब अगर आप क्वेश्चन बैंक पे आते हो तो पहला पहला क्वेश्चन जो नवंबर 18 न्यू सिलेबस का है ये हमारा डन दन डना डन दन पहला पहला क्वेश्चन जो नवंबर 18 न्यू सिलेबस का है डन डन डना तो आप कोई भी पांच से छह पॉइंट इसमें लिख सकते हो जो मैंने आपको क्लास में अभी कवर करा दिए हैं ठीक है ठीक है।, है? है सर अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे मजा आएगा अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे मजा आएगा अगला पॉइंट देखो क्या कहता है रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस सारे बच्चे बताओ दूसरों के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे लिए कौन सा टॉपिक है दूसरों के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे लिए कौन सा टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस यह हमारे लिए है

तो ये क्या हो गई सर ये इनकी अजम्पशन हो गई तो सबसे पहले मेथड देखा अब मेथड के बाद देखो क्या इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं क्या इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं यानी चेक वेदर द ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स हैव बीन एस्टेब्लिश तो पहले मेथड देख लिया फिर स्टैंडर्ड देख लिया अब देखो क्या स्टैंडर्ड डिटेल में बनाया है जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए वो हर एक्टिविटी के लिए बनाए हैं सपोज पांच स्टेजेस है तो क्या हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड बनाया नहीं तो यह तीन बातें आप देखेंगे सर क्या मेथड ऑफ स्टैंडर्ड क्या एक्चुअल में स्टैंडर्ड्स बनाए हैं प्लस आर द स्टैंडर्ड डिटेल्ड इनफ टू बी आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लास्ट में वेरियंस निकाल लो लास्ट में वेरियंस निकाल लो अगर वेरियंस बहुत ज्यादा वाइड आ जाए

एक ह्यूज हॉल दे रखा है फॉर जिम फैसिलिटी टू द एम्प्लॉइज इंटरनल ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि जो जिम है ना ये सिर्फ एक दो दिन यूज होता है क्या मैं बोल दू रिसो ठीक से यूज नहीं हो रहे हाँ सर, जिम ठीक से यूज नहीं हो रहा प्लस देर इज अज बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट और मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रहा उसको इन्वेस्ट करने का बैंक अकाउंट में बस पैसा खराब हो रहा है ठीक है सर प्लस कंपनी ने एक हॉल ले रखा है ऑन रेंट फॉर द सिटिंग कम वेटिंग लाउंज फॉर द कस्टमर एंड एवरी टाइम देयर इज अ डाउन टाइम ऑफ वन आवर ठीक है सर इंटरनल ऑडिटर वॉन्ट्स टू कवर दीज मैटर्स एंड रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर कह रहा है ये मेरे स्कोप में आते हैं मुझे इस सब के ऊपर रिपोर्ट करना है बट जो एक्स है मैनेजर ऑफ द कंपनी वो कहता है ये सब इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड नहीं है इसका इंटरनल ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है सो so, इस चीज के ऊपर कमेंट करने की जरूरत नहीं है क्या इंटरनल ऑडिटर को कमेंट करना होता है अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ज द इंटरनल ऑडिटर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन दूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलास अब आपने इसके पॉइंट पढ़ो क्या आईसीआई की लैंग्वेज से मैच हो रहे हैं सबसे पहले रिव्यू द मेथड ऑफ स्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फिर देखो क्या इन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स स्टैब्लिश कर रखे है क्या ये डिटेल्ड इनफ है टू बी आइडेंटिफाइड विद ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आखिरी में जहां भी वाइड डाइवर्जेंस है हम रीजन देख के चलेंगे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत दिक्कत है है क्या क्या नहीं सर एकदम सीधी साधी बात है बस पहचानना आना चाहिए बस पहचानना आना चाहिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है सीए इंटर वालों के लिए भी करना है ऐसे 610 सौ दस हाँ इंटर वालों को चुपचाप पढ़ के आना है ठीक है तुम्हारे भी कोर्स में है क्लियर है क्लियर है सर तो हमने ये एकदम बेसिक सा पॉइंट था ऑलरेडी वी आर डन आ डन क्वेश्चन नंबर सेवन कहते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए स्मार्ट होने चाहिए स्मार्ट का क्या मतलब है शुभम सर यानी स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रियलिस्टिक टाइम बाउंड ये बेसिक बेसिक बातें हमको ध्यान में रख के चलना है ठीक है ठीक है सर अब उसके बाद आ जाओ क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर की बात करते हैं पानी के दो घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे रेडी आ जाओ सिद्धार्थ कह रहा है ये क्वेश्चन मेरे से गलत होता था अब सही हो गया वेरी वेरी गुड अब सर आ जाओ क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर एकदम देसी प्यारा क्वेश्चन एकदम देसी प्यारा क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा ठीक है सर सर क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या कहता है मैंने कहा सिंपल सी बात है ये बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए सर इसकी एक्सपर्टीज किसमें होनी चाहिए इसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कंट्रोल सिस्टम को चेक करने में जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल सिस्टम लगाया है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम लगाएगी उसको क्या बोलेंगे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम उसको इवेल्युएट करने में स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल हम सीए है ना तो हम फाइनेंस और अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करके चलते हैं तो इसकी एक्सपर्टीज स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल तो जब मुझे फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल्स को एवेट करना है तो मेरी एक्सपर्टीज किसमें होनी चाहिए ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्सपर्टीज तो अगला पॉइंट देखो क्या यह फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता है मस्ट है एक्सपर्टीज यस सर तो पहले दो पॉइंट तो ईजिली हो गए पहले दो पॉइंट तो ईजीली हो गए अब मेरे पास बच्चा आता है अब मेरे पास बच्चा आता है और पता है मेरे साथ बच्चा क्या बोलता है सर ये तो गलत बात है आपने तो कहा था अकाउंट्स और फाइनेंस के अलावा हम ऑपरेशनल भी देखेंगे आपने तो कहा था अकाउंट्स और फाइनेंस के अलावा हम ऑपरेशनल भी देखेंगे बट मुझे एक बात बताओ ऑपरेशनल की बात हुई है हा हुई है देखो क्या कहता है जो तुम सोच रहे थे वही आ गया ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इवेल्युएट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खुश हो गए अब सब खुश हो गए तो पहले फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करेंगे फिर ऑपरेशनल और नॉन मॉनिटरी की बात करेंगे अब नॉन मॉनिटरी के लिए मुझे क्या समझना है सर किस तरह से एंटिटी की टेक्नोलॉजी वर्क करती है किस तरह से एंटिटी की सप्लाई चेन वर्क करती है कैसे ये लोग परचेजेस करते हैं कैसे सेल्स करते हैं तो आपको इनकी टेक्नोलॉजी और कमर्शियल प्रैक्टिस समझनी पड़ेगी समझ गए सर इसके अलावा ये कहता है आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी पढ़ना ये टॉपिक जरा जल्दी जल्दी कॉमर्स लॉज टैक्सेशन कॉस्ट अकाउंटिंग टैक्स इकोनॉमिक्स ईडीपी सर ये सारी चीजें तो हमने इंटर में पढ़ी थी ये सारी चीजें तो हमने इंटर में पढ़ी थी तो आपको इंटर की नॉलेज होनी चाहिए इंटर के बाद ये कहता है आपने मैनेजमेंट के साथ काम करना है आपको मैनेजमेंट की चीजें एवेल्यूएट करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स सर ये मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की बात हो रही है अरे बचपन में पढ़ते नहीं थे मैनेजमेंट के पांच प्रिंसिपल्स वो सॉरी पांच प्रिंसिपल कह रहा हूं जो

सारे पॉइंट समझ जाता है एग्जाम में डब्बा गोल जाता है तो सर कैसे याद रखेंगे मैंने कहा बड़ा सिंपल किसकी कंट्रोल्स की हमको याद पॉइंट था अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कंट्रोल्स ध्यान रखने मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम स्पेशली अकाउंट्स एंड फाइनेंस तो इसके लिए इसी की एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए इसी की एक्सपर्टीज चाहिए क्या पहले दो पॉइंट्स हो गए हो गए सर इसके अलावा हमको थर्ड पॉइंट कौन सा ध्यान रखना था ऑपरेशनल कंट्रोल तो जो आपके ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं एंड नॉन मॉनेटरी कंट्रोल्स हैं इनको भी ध्यान रखना जो ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं नॉन मॉनेटरी कंट्रोल्स हैं इनको भी ध्यान रखना अब ऑपरेशनल और नॉन मॉनेटरी कंट्रोल के लिए हमने क्या सीखा था सर हमने सीखा TCP. TCP का क्या मतलब था टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल प्रैक्टिस साथ ही साथ आपने इकट्ठी करी इंटर की नॉलेज साथ ही साथ आपने इकट्ठी करी इंटर की नॉलेज इंटर का क्या मतलब है कॉमर्स टैक्सेशन लॉ ये सब चीजें इकट्ठी कर ली हाँ सर कॉमर्स सीख लिया टैक्सेशन सीख गए कॉस्ट अकाउंटिंग सीख गए लॉ सीख गए जब आपने इंटर की नॉलेज इकट्ठी कर ली तो मैंने कहा एम लिख दो मैंने कहा एम लिख दो सर एम का क्या मतलब था एम का मतलब मॉक टेस्ट पेपर नहीं है एम का मतलब है मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ये भी पता होना चाहिए अच्छा जब मैंने एम लिखा तो क्या मैं जोर जोर से जाके सबको क्वेश्चन बता दूं नहीं सर एम लिखने के बाद आपको मेंटेन करनी है confidentiality mtp के बाद आपको मेंटेन करनी है confidentiality ये हुआ ना तरीका पांच नंबर इकट्ठे करने का ये हुआ तरीका पांच नंबर इकट्ठे करने का तो सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोल्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस और उसी की एक्सपर्टीज उसके बाद शुभम सर ने बोला ऑपरेशनल कंट्रोल्स और नॉन मॉनेटरी कंट्रोल इसके लिए पता होना चाहिए tcp और inter tcp और inter का मतलब है टेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रैक्टिसेस प्लस इंटर की नॉलेज होनी चाहिए इंटर की नॉलेज है तो mtp लिखा mtp के बाद confidentiality मजा आया या नहीं आया जल्दी से बता दो मित्रों आर दीज पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑसम अब आ जाओ मेरे साथ अगले टॉपिक पे अब आ जाओ मेरे साथ अगले टॉपिक पे वेरी वेरी गुड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच टॉक्स अबाउट परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट अब सर परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या करना है इधर देखो क्या मैं सीधा जाके कंट्रोल्स को इवेलुएट करना शुरू कर दूं या पहले धंधे को समझूं सर पहले धंधे को समझो तो यहां पे क्या कर रखा है ना आईसीआई ने ढेर सारे स्टेप्स दे रखे जिसमें ढेर सारा मामला फैला हुआ है ढेर सारे स्टेप्स देखे जिसमें ढेर सारा मामला फैला हुआ है तो मुझे ऐसा नहीं लगता आईसीए आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन देगा आपने एक, एक स्टेप को बस अच्छे से कवर करके चलना है तो नॉलेज तो किस, -किस की लेनी है सर लोगों की डॉक्यूमेंट्स की आई की सारे बच्चे बोलो मेरे साथ लोगों की डॉक्यूमेंट्स की और आई की लोगों का क्या मतलब आप बिजनेस मीटिंग्स करोगे जो एन के की मैनेजेरियल पर्सन है उनके साथ बिजनेस मीटिंग करोगे तो आपको एनटीटी का बिजनेस समझ आएगा उसका विजन समझ आएगा उसका मिशन समझ आएगा किस तरह से एंटिटी आगे बढ़ना चाहती है प्लस आप उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे सर डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आते हैं पॉलिसीज आती है ये सब चीजें आप पढ़ोगे उनकी ठीक है सर प्लस आप उनका आईटी लैंडस्केप समझोगे आईटी सिस्टम समझोगे ये कौन सा ईआरपी यूज करते हैं SAP यूज करते हैं Tally यूज करते हैं कौन सा ईआरपी यूज करते हैं ठीक है सर इसके अलावा

क्या मैं सीधा प्लान करूं या फिर पहले मेरा स्कोप रेडी होना चाहिए सर सबसे पहले आपका स्कोप रेडी होना चाहिए तो ये कहता है स्कोप कौन रेडी करेगा स्टेचुटरी ऑडिटर के, के केस में कौन करता था ऑडिट कमेटी कि जो ऑडिट कमेटी है उसी के साथ बैठ के हम ये सब चीजें डिस्कस करते थे इंटरनल ऑडिटर के केस के में भी कौन करता है ऑडिट कमेटी तो जो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आपको स्कोप बना के देंगे ठीक है सर

क्या हम उनके भरोसे रहेंगे डेटा देने के लिए खुद डेटा निकाल लेंगे सर हम खुद डेटा निकालेंगे तो हम उनको बोलेंगे आप हमको अपने आईटी सिस्टम्स का एक्सेस दे दो तो, हम डेटा निकाल लेंगे तो एकदम फ्लो में चलना ऑडिट प्लानिंग सर क्या सबसे पहले स्कोप स्कोप के बाद सीधा प्लान मत बनाने कूद जाना रिस्क और कंट्रोल देखेंगे मैनेजर उसको इसके बाद, इसके बाद शेयर करने के लिए ओपनिंग मीटिंग की आई टी का एक्सेस मांग लिया सारे बच्चे जल्दी से प्लानिंग के मेरे साथ स्टेज मार्क करेंगे सबसे पहली स्टेज क्या थी हम सर स्कोप कंसिडर करते हैं सो ऑडिट स्कोप विच शुड बी अप्रूव बाय द ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरी चीज क्या थी सर जो स्कोप था उसके बाद क्या मैं सीधा प्लान बना लूं या रिस्क और कंट्रोल बताना चैटबॉक्स में सर रिस्क और कंट्रोल प्लान शुड बी प्रिपेयर परफॉर्मिंग द इवेल्युएशन ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल एनवायरमेंट टू मिटिगेट द रिस्क वेरी गुड अब यह प्लान बनाएगा कौन मैनेजर बनाएगा प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर चीफ इंटरनल ऑडिटर है सर। अब जब प्लान बन गया क्या मैं इसको अपने पास रखूंगा या दूंगा सर दूंगा छोटे मैनेजर 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 को 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 या की को? की को। तो ये कहते है, जब आपका प्लान रेडी हो गया तो आप इसको शेयर करो विद द की मैनेजेरियल पर्सन शेयर करने के लिए मैंने क्या करी ओपनिंग मीटिंग करी मैंने इसके साथ ओपनिंग मीटिंग करी और उसको बताई क्या क्या मुझे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एक्सेस चाहिए अब लॉजिकली सोच के बताना जब इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एक्सेस मिल गई अब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या निकालूंगा रूहफजा नहीं सर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकालूंगा डेटा मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकालूंगा डेटा सो यही आपका स्टेप थ्री गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तो जो डेटा है वो आप निकालोगे अब डेटा क्या गलत गलत होना चाहिए या इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी वाला डेटा सर इंटीग्रिटी और करेक्ट डेटा तो ये कह रहा है ओपटेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसकी करेक्टनेस और इंटीग्रिटी देख लेना इसके लिए आप डायरेक्टली सोर्स से निकाल लो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसी से निकालो डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स एंड एडवांस में इंटीमेट करके चलना जो मैंने आपको पहले ही बता दिया तो ये तीन पॉइंट्स बस आप रीड करके चलोगे अब इसके बाद कहता है परफॉर्म द ऑडिट चेक्स सारे बच्चे देख के बताओ क्या ये बातें हमने ऑलरेडी ऑडिट में पढ़ रखी है एनालिटिकल प्रोसीजर सैम्पलिंग ऑडिट एविडेंस रिपोर्टिंग ऑलरेडी डन डन आ डन डन अब लास्ट स्टेज आ जाती है रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज अब सर रिपोर्ट देने से पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट देने से पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगी अब आप अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या बताओगे पूरा फ्लो सर पूरा फ्लो मतलब सीधा उनकी कमियां बताओगे या पहले अपने स्कोप से स्टार्ट करोगे सर हम अपने स्कोप से स्टार्ट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद योर स्कोप कि हमको रेवेन्यू भी कवर करना था परचेजेस भी कवर करनी थी अकाउंटिंग फंक्शंस भी कवर करने थे सब कवर किया अब स्कोप में बताओ डिटेल में क्या कवर किया क्या छोड़ दिया डिटेल में क्या कवर किया क्या छोड़ दिया यानी डिटेल्ड ऑडिट कवरेज एंड एक्सक्लूजन प्लस कितना पीरियड कवर किया वॉट वॉज द ऑडिट पीरियड कवर क्या तीनों बातें समझ आती है हाँ स्कोप डिटेल में क्या कवर किया क्या छोड़ दिया कितना पीरियड कवर किया क्या कोई तीन चार महीने आपने कवर करे अब इसके बाद उनकी कमियां बताओ अब इसके बाद उनकी कमियां बताओ यानी क्या क्या इश्यूज मिले आपको ओवर द गैप्स सर गैप्स का मतलब है कहां कहां पे कंट्रोल्स खराब थे अब जब आपने इश्यूज बताए इसके साथ आप क्या बताओगे रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन टू मिटिगेट द गैप्स कैसे वो इस गैप्स को फिल कर सकते हैं सर ये तो बड़ा प्यारा फ्लो बन गया स्कोप डिटेल में क्या कवर किया क्या एक्सक्लूड किया क्या टाइम पीरियड कवर किया इश्यूज रिकमेंडेशन इश्यूज और रिकमेंडेशन अब मुझे बताओ रिकमेंडेशन पे एक्शन कौन लेगा मैनेजमेंट रिकमेंडेशन पे एक्शन लेगी मैनेजमेंट और ये तो पिछली बार भी हुआ था दे वो हां तो जो चीज पिछली बार हुई थी पिछली बार भी मैनेजमेंट ने कहा था हम एक्शन लेंगे तो देखो लिया कि नहीं सो so मैनेजमेंट ने जो कहा था ना हम एक्शन लेंगे वेट वॉज एग्रीड इन प्रीवियस ऑडिट उसका स्टेटस भी रिव्यू करके चलना उसका स्टेटस भी रिव्यू करके चलना एंड आखिरी में आप अपनी फाइनल रिपोर्ट दोगे टू द ऑडिट कमेटी क्लियर है बॉस क्लियर है सर लास्ट टाइम पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वाला पार्ट हम रिवाइज करेंगे बिकॉज यही सेम चीज नेक्स्ट टॉपिक में हमको काम आने वाली है रिपोर्टिंग में सबसे पहले आएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट जिसमें आएगा स्कोप स्कोप में डिटेल में क्या कवर किया क्या एक्सक्लूड किया क्या टाइम पीरियड कवर किया ठीक है सर इसके बाद क्या आएंगे इश्यूज एंड गैप्स उन गैप्स को फिल करने के लिए रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन पे एक्शन रिकमेंडेशन पे एक्शन बाय द मैनेजमेंट एंड लास्ट में क्या आएगा सर पिछली बार भी रिकमेंडेशन दी थी उसपे मैनेजमेंट ने एक्शन एग्री किया था उसका स्टेटस चेक कर लो उसका स्टेटस चेक कर लो तो लास्ट पॉइंट कहता है आप उसका स्टेटस चेक करोगे ऑफ द एक्शंस प्रीवियस ऑडिट एंड आखिरी में फाइनल रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी क्लियर है बॉस क्लियर है सर सो आर द फाइव स्टेजेस नॉलेज लेंगे डॉक्यूमेंट से लोगों से आईटी से उसके बाद प्लानिंग करेंगे प्लानिंग का क्या मतलब है स्कोप पहले ऑडिट एग्री करेगी फिर प्लान करेंगे अभी भी प्लान मत करना पहले रिस्क और कंट्रोल देख लेना मैनेजर प्लान बनाएगा सीनियर उसको रिव्यू करेगा की मैनेजर पर्सन के साथ शेयर करेंगे मीटिंग करके पांचों पॉइंट डन उसके बाद सर क्या था गैदर करेंगे रिक्वायर इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए फिर ऑडिट वाले कुछ बातें आएंगी एनालिटिकल प्रोसीजर सैम्पलिंग ऑडिट एविडेंस रिपोर्ट क्लियर है सर एंड आखिरी में रिपोर्टिंग आर द फाइव स्टेप्स क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू समझ आ गया फोकस किस पे करना है सर फोकस ऑडिट प्लानिंग पे करना है एंड उसके बाद रिपोर्टिंग पे फोकस करना है एंड रिपोर्टिंग में भी ये वाली रिपोर्ट पे फोकस करेंगे जो अभी हमें कराने वाला awesome. चलो सर जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे बता दें मित्रों ऑल सेट ऑल सेट सर आकाश तुम इंटर के बच्चे हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो ठीक है टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम है सेप्टेम्बर में हाँ सर मेरे को घर जाना है कितनी देर का और है कोई बात नहीं घर से कर लेना अब आ जाओ टू स्टेजेस रिपोर्टिंग की बात करते हैं सर टू स्टेजेस रिपोर्टिंग वाला टॉपिक क्या कहते हैं सारे बच्चे इधर फोकस करके चलना ठीक है सर

एक पूरे पीरियड में जितने भी असाइनमेंट करे उसकी भी अलग रिपोर्टिंग होती है उसको कहते हैं पीरियोडिक बेसिस ये कौन देता है सर ये देता है चीफ इंटरनल ऑडिटर या फिर अगर कोई बाहर वाला बंदा है तो उसको कहते हैं इंगेजमेंट पार्टनर इन केस ऑफ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर तो आप वर्ड यूज कर सकते हो चीफ इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर केस में एंगेजमेंट पार्टनर ये किसको देते हैं ऑडिट कमेटी को देते हैं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस क्या ये बेसिक दो बातें क्लियर है अब सवाल आता है टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा ऊपर क्या सिखाया था सबसे पहले स्कोप सिखाया था सर स्कोप आ गया उसके बाद क्या बताया था डिटेल में क्या कवर किया और क्या एक्सक्लूड किया क्या क्या डिटेल और एक्सक्लूड वाली बात लिखी है नहीं फिर क्या बताया था यहां पर वर्ड यूज होगा फाइंडिंग्स यहां पर वर्ड यूज होगा फाइंडिंग्स तो आप बोलोगे क्या क्या क्रिटिकल फाइंडिंग्स हैं क्या क्या क्रिटिकल फाइंडिंग्स है इश्यूज का दूसरा नाम है क्रिटिकल फाइंडिंग्स ठीक है सर अब जब आप क्रिटिकल फाइंडिंग्स बता रहे हो तो उनको थोड़ा डिटेल में बताना सर डिटेल में बताना मतलब ये जो क्रिटिकल फाइंडिंग्स हैं ये क्यों हुई इसका रूट कॉज क्या था ओ अब जब ये हुई है तो आगे इसका इंपैक्ट क्या होगा आगे इसका इंपैक्ट क्या होगा फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल जो हमने रिपोर्ट देखी थी सर इसमें हमारा क्या था हमने यहां पे अपनी क्रिटिकल फाइंडिंग बताई कि कहीं ना कहीं कम फीस रिसीव हुई है अब सर इसका रूट कॉज क्या था क्योंकि आप स्टूडेंट से फॉलो अप नहीं कर रहे थे अब इस पे आपने पॉसिबल इंपैक्ट क्या दिया आपकी इनकम लीक हो जाएगी अब इस फाइंडिंग से डील करने के लिए मैं क्या दूंगा एज ऑडिटर सर आप दोगे रिकमेंडेशन आप कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन दोगे अच्छा रिकमेंडेशन के साथ साथ आप इसकी रेटिंग भी बताते हो हाई मीडियम लो ये बात भी बताई जाती है तो ये चार पांच बातें आपको ध्यान रखनी है स्कोप ध्यान रखेंगे पीरियड ध्यान रखेंगे यहां पे इशू का दूसरा नाम क्या है यहां पे मैं इशू नहीं लिख सकता क्योंकि एग्जामिनर एकदम मैच करता है वर्ड टू वर्ड अगर वर्ड मैच नहीं हुआ तो जीरो नंबर देगा तो हम लिखेंगे क्रिटिकल फाइंडिंग अब क्रिटिकल फाइंडिंग को थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्यों हुई इसका रूट कॉज क्या था ओ और इससे क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या है प्लस इसका रेटिंग दे देना हाई मीडियम लो ठीक है सर अब इस पे दे देना अपनी रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन पे मैनेजमेंट का रिस्पांस एंड लास्ट में टाइमलाइन फॉर द एक्शन प्लीज टेल मी आर दीज पॉइंट क्रिस्टल क्लियर अगर हाँ तो फिर मैं इस पर आपको क्वेश्चन कवर कराता हूं अभी अभी के अभी। जल्दी से बता दो मित्रों बस पंद्रह मिनट और एंड दिस रिविजन सेशन कम डिस्कशन सेशन विल बी डन डन आर डन डन जल्दी से बताओ क्लियर है क्लियर है सर अब फटाफट आ, आ जाओ अपने क्वेश्चन बैंक पे अरे आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन आईसीआई के स्टडी मटेरियल का बैक क्वेश्चन कि रिपोर्ट चाहिए अबाउट द फाइंडिंग्स एंड एरियाज जहां पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है सारे बच्चे मुझे बताओ कौन सा ऐसा टॉपिक था जहां पे डिटेल में फाइंडिंग बताई जाती है और डिटेल में एक्शन की बात की जाती है ऊपर वाले टॉपिक में या नीचे वाले टॉपिक में कहां पे क्रिटिकल फाइंडिंग वर्ड यूज होता है सर क्रिटिकल फाइंडिंग वर्ड यूज होता है यहां पे क्रिटिकल फाइंडिंग वर्ड यूज होता है यहां पे तो हमें कौन सा आंसर लिखना है ये वाला आंसर लिखोगे या इसके नंबर मिलेंगे सर नीचे वाले के हमको यहां पे नीचे वाले के नंबर मिलेंगे तो सारे बच्चे देखेंगे क्या आंसर लिखा है सबसे पहले टू स्टेज रिपोर्टिंग दैट यू कैन इजीली राइट इन योर ओन वर्ड्स असाइनमेंट वाइज रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग ठीक है सर उसके बाद यही पांच पॉइंट आपने लिखने कोई भी पांच से छह पॉइंट लिख देना स्कोप आ गया पीरियड आ गया इश्यूज नहीं लिखेंगे क्रिटिकल फाइंडिंग उन क्रिटिकल फाइंडिंग को डिटेल में बताना क्यों हुई सर रूट कॉज क्या था इससे क्या होगा इसका मतलब इसका बिजनेस इंपैक्ट उसके हिसाब से आप उसको रेटिंग दे सकते हो रिकमेंडेशन दे दोगे एंड आखिरी में ऑडिटर की रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट डन डना डन 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 सर एकदम बढ़िया तरीके से आई होप दिंग्स क्लियर अब लास्ट पॉइंट आता है की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ये वाले आप तभी लिखोगे जब ऐसे आपको लिख के देता है क्वेश्चन में की ना मेरे को रिपोर्टिंग के बारे में नहीं जानना मेरे को की एलिमेंट्स के बारे में जानना है तो की एलिमेंट्स में क्या आएगा सर वही आएगा आपका स्कोप आएगा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा क्या नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट फिर आप बोलोगे मैंने इंटरनल ऑडिट किसके हिसाब से किया स्टैंडर्ड ऑन

सिया सिया ओ, सिया सिया सो पहले पहले सोवा ले लेते हैं चलो लड़का है एक लड़का है जिसका नाम है सोआ अब सोआ ने सिया को सोआ ने सिया को सिया की जो नेचर थी ना सोआ ने सिया की जो नेचर थी इस नेचर में कुछ की ऑब्जर्वेशन निकाली गलतियां निकाली अब सिया क्या करेगी सर सिया इस पे

पर चीजें थोड़ा बेटर वे में हो जाएंगी यस और नो यस सर एकदम बढ़िया तरीके से वी टेक अ गुड फाइव मिनट्स ब्रेक चलो मैं थोड़े गाने वाने चला देता हूं एंजॉय करो तारे गए सजना चलो मित्रों आ जाओ मेरे साथ एवरी वन जल्दी से बताओ डन डना डन विथ द ब्रेक फटाफट एकदम बढ़िया वाला इंपॉर्टेंट आ रहा है क्वेश्चन यस सर चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ लेट्स बिगेन लेट्स बिगेन लेट्स चलो सर मैंने एग्जाम फॉर्म मिस कर दिया आप कुछ करो अरे मैं क्या करूं भाई कॉल लगाओ किसको सर आईसीआई को मैं क्या कर सकता हूं यार बीबी वर्चुअल्स का एग्जाम फॉर्म होता तो हम भरवा देते हम एकदम फटाफट फड़ भरवा देते अब हम एग्जाम फॉर्म में आप आईसीआई को जब तक नहीं बोलोगे वो नहीं सुनेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता अगर हाँ आपको लगता है यहाँ पे चैट में डालने से कुछ होगा तो यू कैन ट्राई कान डू मच अबाउट इट ठीक है ठीक है सर तुम अपनी संतुष्टि के लिए लिख लो यहां पे. तुमको फील आ जाएगी बढ़िया वाली कि हाँ हमने यहां पे लिख दिया हमको मजा आ गया अब जल्दी से यहां पे आ जाओ मेरे साथ लेट्स वाला पार्ट ठीक है आई अंडरस्टैंड तुमको दुख हो रहा है दर्द हो रहा है कि भाई हमसे फॉर्म छूट गया बट आई कॉन्ट डू मच अबाउट इट राइट एवरी वन रेडी जल्दी से बताओ awesome. चलो सर अब शुरू करते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया सर किसके साथ स्टार्ट करते हैं फॉलो वगैरह के साथ स्टार्ट करते हैं मजा आ जाएगा सर फॉलो अप इज अ फाइव स्टार टॉपिक इस पे आपको जो है। इस पे आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक पे भी मिलेगा मजा आएगा ठीक है लेट्स फोकस है। अब देखो क्या कहता है फॉलोअप वाला केस ये कहता है सबसे पहले जो आपने पिछली बार मैनेजमेंट की गलतियां निकाली थी जो आपने मैनेजमेंट के पिछली बार इश्यूज निकाले थे उस पर आपने बढ़िया वाला फॉलोअप करके चलना है उस उसपे आपने कहीं ना कहीं फॉलोअप करके चलना है तो देखो क्या कहता है जो आपका चीआई यानी चीफ इंटरनल ऑडिटर ही विल कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द प्रायर ऑडिट इशूज जो पिछली बार की गलतियां थी उसको मॉनिटर करेगा कैसे थ्रू अ फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस अब सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी एक्शन लेने की मैनेजमेंट की थी जो हमारा है, उसकी थी तो इंप्लीमेंटेशन लाइज करना था या नहीं किया था या तो मैनेजमेंट ने एक्शन एग्री किया था या नहीं किया था तो अगर तो उन्होंने एक्शन एग्री नहीं किया तो मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करो और पूछो भाई क्यों एक्शन नहीं लोगे तो वाई वॉन्ट यू टेक द एक्शन अगर उन्होंने एक्शन एग्री किया था तो फिर रिव्यू करो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन सर ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है अगर एक्शन एग्री नहीं किया तो उनसे रीजन समझो उनका अटेंशन करो अगर एक्शन एग्री किया है तो रिव्यू करो इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन और अगर उन्होंने काम चोरी करी है यानी सम एक्शन हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड फुली तो आप वो चीज रिपोर्ट करके चलोगे तो फिर आप वो चीज रिपोर्ट करके चलोगे बस इतनी सी बात थी मैंने कहा इतनी सी बात है तो जब भी बात आएगी फॉलोअप की, की तो आपने क्या बोलना है चिया, चिया बोले तो चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअली मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज तो जो पिछली बार की दिक्कत है वो इस बार खत्म हो जानी चाहिए क्लोज हो जानी चाहिए अब रिस्पॉन्सिबल कौन है एक्शन लेने के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है हमारा काम है रिव्यू करना फॉलो अप एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट तो अगर उन्होंने कहा हम कोई एक्शन नहीं लेंगे मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करो और उनसे रीजन समझो ठीक है सर बट अगर उन्होंने कहा था हम तो एक्शन ले लेंगे तो रिव्यू करो वेदर हाउ द इंप्लीमेंटेशन इज डन एंड इफ नॉट डन प्रॉपरली इसको हम रिपोर्ट करके चलेंगे क्या ये पूरा का पूरा बेसिक सा फ्लो क्लियर है आप सबको सबको हाँ सर ये बेसिक सा फ्लो तो हम सबको क्लियर है मसालेदार चीज कहां है टिपिकल एक्शन टेकन रिपोर्ट सिर्फ इतनी कहानी लिखने से काम नहीं बनेगा आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट की बात भी करनी पड़ेगी अब सर एक्शन टेकन जो रिपोर्ट है ना सबसे प्यारी रिपोर्ट है ये कहती है पहले से स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ऑडिट से स्टार्ट करते हैं कि आपने प्रीवियस ऑडिट में क्या इश्यूज इश्यूज उन पे मैनेजमेंट ने क्या एक्शन एग्री करे व्हाट वर द एक्शंस एग्रीड बाय द मैनेजमेंट एकदम फ्लो फ्लो में चलते रहे ना बड़ा मजा आएगा उन एक्शंस जो उन्होंने एग्री किए थे जो एक्शंस उन्होंने एग्री किए थे उनका अब आप स्टेटस चेक करो सर so, स्टेटस का क्या मतलब है या तो एक्शन लिया या नहीं लिया या तो एक्शन लिया या नहीं लिया यानी आइदर इट इज इंप्लीमेंटेड और नॉट इंप्लीमेंटेड अब मुझे बताओ किसको आगे लेके जाना है नॉट इंप्लीमेंटेड को जो नॉट इंप्लीमेंटेड एक्शन था उसकी क्या रिस्क और रेटिंग है क्या हाई रिस्क है मीडियम रिस्क है लो रिस्क है तो जो अनइंप्लीमेंटेड एक्शन है उसके ऊपर आप बात करोगे अब अनइंप्लीमेंटेड एक्शन में बताना क्या कोई एक्शन ऐसा है जो लॉन्ग टाइम से आपने नहीं करा या जिस पे इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है सर हम हम तो कंफ्यूज हो गए मैंने कहा बड़ा सिंपल है ध्यान से से समझना सबसे पहले बात करेंगे पिछले साल के इश्यूज 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 की issues से क्या आएगा पे आएगा पे एक्शन अब जो एक्शन है या तो हुआ या नहीं हुआ यानी आप स्टेटस की बात करोगे इंप्लीमेंटेड और नॉट इंप्लीमेंटेड अब अगला पॉइंट में इंप्लीमेंटेड से निकालू नॉट इंप्लीमेंटेड से सर नॉट इंप्लीमेंटेड से तो जो नॉट इंप्लीमेंटेड एक्शन है उसमें आपने दो पॉइंट बताने हैं ऐसा एक्शन जो लॉन्ग पीरियड से नहीं हुआ प्लस विच रिक्वायर्स इमिजिएट अटेंशन इज द एक्शन टेकन रिपोर्ट पॉइंट क्लियर लास्ट बार एक बार फटाफट -फड़ रिवाइज करते हैं सर क्या कहा हम एक्शन लेंगे एक्शन का हमको क्या चेक करना है स्टेटस या तो इंप्लीमेंटेड या नॉट इंप्लीमेंटेड जो नॉट इंप्लीमेंटेड है उसमें देखो क्या रिस्क और रेटिंग है वन विच इज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वन विच रिक्वायर्स इमीजिएट एक्शन इजी सर अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन बैंक पे एंड गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट सारे के सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन नंबर एट में क्या आना चाहिए सर सबसे पहले कहते हैं ऑडिट कमिटी ने मिस्टर एको का एनालिसिस दो ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट एंड हाईलाइट

इम्प्लीमेंट हुई अगर नहीं हुई तो वापस उससे कंफर्म कन, कन, करेंगे क्यों नहीं हुई तो वो आपने पैराग्राफ वाली बात लिखनी है फिर कौन सी चीज है जो मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर जाएंगे एक्शन टेकन रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट में वापस हम क्या करेंगे वापस सारे बच्चे हमेशा फ्लो बनाओ इशूज इशूज पे मैनेजमेंट ने क्या एग्री किया एक्शन एक्शन का क्या देखा स्टेटस अब स्टेटस में दो स्टेटस हो सकते हैं इंप्लीमेंटेड नॉट इंप्लीमेंटेड नॉट इंप्लीमेंटेड का आपने क्या देखनी है रिस्क एंड रेटिंग येस और नो येस सर उसके बाद जो नॉट इम्प्लीमेंटेड है बता देना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वंच रिक्वायर इमीजिएट अटेंशन क्या सर मुझे इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्स याद रखने की जरूरत है कोई पॉइंट नहीं है लीव इट डन डना डन 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 सर एकदम बढ़िया तरीके से अब एक टॉपिक दे रखा है मरियल सर रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर जब आपके पास एकदम बहुत सारा टाइम हो तो इसको एक बार फटाफट रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है अगला सवाल आता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में फर्क क्या है तो इसको आप पेयर करके याद रख सकते हो सबसे पहले तो मीनिंग आ जाएगा इंटरनल ऑडिटर का क्या मतलब है सर दिस इज अ

क्या एग्जामिन किया किस पे ओपिनियन दिया दोनों चीजें सेम होती है इंटरनल ऑडिटर क्या एग्जामिन करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी ओपिनियन भी किस पे देगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे वेरी गुड सर एक्सटर्नल ऑडिटर क्या एग्जामिन करता है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट ओपिनियन भी किस पे देगा तो क्या एग्जामिन किया किस पे ओपिनियन दिया उसके बाद अगला पेयर किसका बनाएंगे अपॉइंटमेंट एंड यूजर्स ऑफ रिपोर्ट जो अपॉइंट करता है उसी को रिपोर्ट करो तो मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है मैनेजमेंट को रिपोर्ट मेंबर्स अपॉइंट करते हैं रिपोर्ट टू द स्टेक होल्डर्स क्लियर है क्लियर है सर तो मीनिंग एग्जामिनेशन ओपिनियन इसका पेयर बना लेना अपॉइंटमेंट और रिपोर्टिंग का पेयर बना लेना पांच हेडिंग्स काफी है अब मुझे बताओ इंप्लाइज कंपनी छोड़ के क्यों जाते हैं सर बहुत स्ट्रेस है वर्क लाइफ इम्बेलेंस हो रही है बहुत स्ट्रेस है वर्क लाइफ इम्बेलेंस हो रही है अब ये स्ट्रेस कौन देता है हमारे सीनियर्स आर्टिकलशिप में तो यही सीखा है तो जो आपके सीनियर है उनका बिहेवियर बड़ा अनबियरेबल होता जा रहा है प्लस इतना अनबियबल हो रहा है लगता है हम तो जी नहीं पाएंगे सेफ्टी फैक्टर तो SSS करके ध्यान रखा था स्ट्रेस सीनियर स्टाफ उसके बाद सेफ्टी फैक्टर उसके बाद पैसे भी नहीं मिलते पैसे नहीं मिलते मतलब प्रमोशन नहीं हो रही लो मॉनिटरी बेनिफिट एंड द प्रॉब्लम इज रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट इजी इजी सर फैक्टर्स वाला पॉइंट भी हो गया अब आ गए हम लास्ट के दो टॉपिक्स पे सारे बच्चे बोलो रेडी अरे खत्म 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 इंटरनल ऑडिट बस अब अपनी आखिरी ले रहा टाटा बाय बाय बोलेंगे इसको वेरी इजी सर क्या बात है रेडी एकदम बढ़िया तरीके से रेडी अब सर पहला टॉपिक कहता है इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन बहुत सारा रायताई ने अपने मटेरियल में फैला रखा है हम इसके बेसिक बेसिक पॉइंट्स अच्छे से कवर करके चलेंगे फ्रॉम अवर नोट्स सबसे पहले सर मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था क्लास ट्वेल्थ में इसकी डेफिनेशन बता दो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अफेयर्स सर अफेयर्स मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें अफेयर्स ऑफ द एंटिटी आर कंडक्टेड इन अ वे दैट इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ओ ये कहता है एंटिटी के जो अफेयर्स है या बोल दो एक्टिविटीज उसमें क्या होनी चाहिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए विद इन द सील कॉन्स्टेंट्स सील का क्या मतलब है सोशल इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल एंड लीगल तो ये कहता है कई बार आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है कई बार लीगल कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि भाई आप जो प्रोडक्ट आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो ये वाला यूज नहीं कर सकते वो वाला यूज करो तो जो भी लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं सोशल कॉन्स्टेंट्स हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हैं इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए

ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स विद इन सीलेंट सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड लीगल ठीक है सर पांच फंक्शन क्या सिखाए थे काम का का क्या था टू ग्रो एंड टू क्रिएट एंड ग्रो द वेल्थ तो फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग या लीडिंग बोल दो दे क्रिएट एंड ग्रो द वेल्थ एंड कंट्रोलिंग का काम का है टू प्रिजर्व द वेल्थ क्या मैनेजमेंट वाली बातें क्लियर है हाँ अच्छा इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन रिवाइज करने का एक मौका और मिल गया देखो क्या कहता है इंटरनल ऑडिट 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 मतलब इंटरनल कंट्रोल्स का audit. Audit मतलब इंडिपेंडेंट इंटरनल कंट्रोल मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कंट्रोल से चिपक के कौन सा पॉइंट और आता था रिस्क मैनेजमेंट इससे क्या होगा एंटिटी ठीक से फंक्शन करेगी मतलब इनहेंस द गवर्नेंस एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ठीक है ठीक है सर अब इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है सर इवेल्युएट करना एंटिटी की एक्टिविटीज को जो एंटिटी की एक्टिविटीज है उनको इवेलुएट वगैरह करेंगे एंड रिकमेंड करेंगे मिटिगेटिंग कंट्रोल जहां भी रिस्क दिखेंगी उसके लिए कंट्रोल्स बताएंगे तो हम इवेलुएट क्या करते हैं क्या एंटिटी का प्रोसेस है हर प्रोसेस के अंदर क्या होती है रिस्क होती है और कंट्रोल होता है रिस्क होती है और कंट्रोल होता है तो यही काम आपका है एज अ इंटरनल ऑडिटर ठीक है सर तो इंटरनल ऑडिट में आपने क्या किया सबसे पहले डेफिनेशन बता दी उसके बाद एंटिटी की एक्टिविटीज देखी क्या रिस्क है और क्या कंट्रोल तो सर अब आप इन दोनों को मिक्स कर दो मिक्स कर दो मतलब इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट को मिक्स करेंगे तो क्या बोलेंगे इंटरनल ऑडिटर हेल्प्स द मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सेटअप प्रॉपर कंट्रोल्स टू मिटिगेट द रिस्क प्रॉपर सिस्टम्स और प्रोसेसेस टू मिटिगेट द रिस्क अब सर ये कैसे करता है अब ये कैसे करता है तो मैंने आपको सिखाया था दो तरीके हैं एक तो कामचोर तरीका एक मेहनती तरीका सर कामचोर तरीका क्या है सामने वाले की कमी निकाल दो सिंपल है सामने वाले की कमी निकाल दो कमी निकाल दो मतलब रिपोर्ट कर दो क्या गैप्स हैं एरियाज हैं ऑफ द वीक कंट्रोल जहां भी लगता है वीक कंट्रोल ठीक से, तो से काम नहीं कर रहे बस उसको रिपोर्ट कर दो सर समझदारी और मेहनत वाला तरीका क्या है जहां भी वीक कंट्रोल है उसको रेक्टिफाई करो उसका रूट कॉज देखो और मिटिगेटिंग स्टेप्स दो टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल गॉट द पॉइंट और नॉट येस सर तो इस तरह से आपने इस टॉपिक के साथ डील करके चलना है सारे बच्चे जल्दी से बताओ इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन बहुत कम चांसेस हैं एग्जाम में आने के बट स्टिल अगर आ गया तो हम इसको एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके चल रहे हैं बिकॉज मैं बताऊँ ना नाइन्टी परसेंट सी ए फाइनल स्टूडेंट इसको बस रीड करके छोड़ेंगे मैं चाहता हूं इस पर आप बस एक मिनट और लगा लो सो so दट अगर एग्जाम में आ जाए एटलीस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आप स्कोर कर सको सो मैनेजमेंट केस में सबसे पहले डेफिनेशन आएगा इट इज अ प्रोसेस प्रोसेस जिसमें अफेयर ऑफ द एंटी आर कंडक्टेड इन अ वे सो दट यू है

मेहनत वाला तरीका क्या है कि जो वीक एरियाज है ना इसकी जड़ तक जाओ इसका आप रूट कॉज देखो और रूट कॉज में सजेस्ट करो किस तरह से आप इसको स्ट्रेंथन कर सकते हो वीक है ना तो उसको स्ट्रेंथ करना है तो आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड मिटिगेटिंग स्टेप्स बताओ टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल गॉट इट

बीबी सर ने अप्रूव किया ठीक है सर उसके बाद इसकी क्या होती है इनवॉइसिंग होती है तो इनवॉइसिंग जीआरएन क्वालिटी कंट्रोल का काम हमने दे दिया आकाश सर को एफआरवी देके एंड लास्ट में होगा इसकी पेमेंट तो ये जिस तरह से ट्रांजैक्शन मूव करती है सैफ में इसको क्या कहते हैं ऑडिट ट्रेल तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है इट इज अ विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस आपको दिख रहा है क्या-क्या हो रहा है ठीक है सर आप इससे इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर पाते so example, हो टू द ओरिजिनल सोर्स सो फॉर एग्जांपल पीओ में गड़बड़ होगी तो इसका ओरिजिनल सोर्स कौन है मैं और बीबी सर तो या तो मैंने इनिशिएशन में गड़बड़ करी या उन्होंने ऑथराइजेशन करते वक्त तो यह कहता है इट इज अ विजिबल ट्रेल टू ट्रेस द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल सोर्स समझ गए सर प्लस अगर मैं चेंजेस करूंगा तो क्या ये चेंजेस भी पकड़े जाएंगे हाँ सो इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस टू डेटा चेंजेस का क्या मतलब है या तो कुछ नया आएगा या कुछ मॉडिफाई होगा या कुछ डिलीट होगा सो एनी न्यू अपडेशन और डिलीशन एंड इट ऑल्सो गिवस द इंफॉर्मेशन किसने किया कब किया क्या किया किसने किया कब किया क्या किया यानी एसके ने किया कब किया 140 फोर्टी पी पे किया क्या किया मॉडिफाई किया सो हु वेन वॉट तीनों बातें पता चल जाती है तीनों बातें पता चल जाती है तो ऑडिट ट्रेल की डेफिनेशन आई होप क्लियर है विजिबल ट्रेल विच हेल्प टू ट्रेस द इंफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल सोर्स प्लस इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस ऑफ एडिशन अपडेशन एंड डिलीशन लास्ट में हु वैन वॉट तीनों की डिटेल मिल जाती है एंड आखिरी पॉइंट कहता है सर आखिरी पॉइंट हमको क्या सिखाता है ऑडिट ट्रेल में ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है वो डिसेबल नहीं होना चाहिए जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है वो डिसेबल नहीं होना चाहिए तो इसके लिए आप क्या क्या कंट्रोल्स देखोगे मैंने कहा सबसे पहला कंट्रोल यही ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन डिसेबल्ड और डिगेक्टिवेटेड तो सर डिसेबल्ड क्या होना चाहिए वट शुड बी डिसेबल्ड एक्सेस टू शुड बी डिसेबल्ड तो यह कहता है सेकेंड पॉइंट में एक्सेस टू शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और अगर कोई एक्सेस कर रहा है तो उसका लॉग मेंटेन करके चलो ठीक है सर। अब जो बंदा करेगा, वो क्या करेगा सर वो चेंजेस करेगा जो बंदा एक्सेस करेगा वो चेंजेस करेगा अब याद रखना यह चेंजेस भी क्या होने चाहिए ऑथोराइज होने चाहिए इसका भी लॉग मेंटेन होना चाहिए कि चेंजेस किसने करे अब सर कैसे पता चलेगा किसने की ये कैसे पता चलेगा किसने किया तो मैंने कहा इसके लिए हम इनकी यूजर आईडी रखते हैं यूजर आईडीज़ आर असाइन टू ईच इंडिविजुअल एंड दिस शुड नॉट बी शेयर्ड एंड आखिरी में क्या करेंगे बैकअप ले लो जो ऑडिट ट्रेल है आप इसका बैकअप लेके चलोगे तो पहली चीज हम क्या ध्यान रखेंगे सर जो इसका ऑडिट ट्रेल का फीचर है जो क्वेश्चन में लिखा है वही आप नीचे उतार लोगे दिस शुड नॉट बी डिसेबल्ड ठीक है सर तो डिसेबल्ड क्या होना चाहिए एक्सेस टू द ट्रेल एक्सेस टू द ट्रेल शुड बी डिसेबल्ड अब इसमें ध्यान रखना एक्सेस या, या तो रिस्ट्रिक्टेड होगा या फिर अगर किसी ने किया तो हम इसका लॉग मेंटेन करके चलेंगे अब सर जो एक्सेस करेगा वो क्या करता है सर वो बंदा बदमाश है वो इसमें चेंजेस कर सकता है वो इसके अंदर चेंजेस कर सकता है अब चेंजेस किसने करे ये कैसे पता चलेगा इसकी हम यूजर आईडी मेंटेन करते हैं तो फोर्थ पॉइंट हो गया यूजर आईडी एंड लास्ट में क्या किया बैकअप ले लिया

वॉट शुड बी दोच वॉट शुड बी द अप्रोच टू डेवलप अ इंटरनल ऑडिट प्लान जो इंटरनल ऑडिट प्लान है कि प्लान कैसे बनाते हैं आई एम नॉट आस्किंग यू द मेथोडोलॉजी ऑफ मेकिंग प्लान आई एम आस्किंग यू द अप्रोच क्या सोच होनी चाहिए प्लान बनाते वक्त सर यह सब कुछ कवर करके चले सब कुछ कवर करके चले मतलब कवरेज कवरेज के बाद क्या आएगा वैल्यू आपको एज अ इंटरनल ऑडिट टीम वैल्यू क्रिएट करनी है उसके बाद सर ई का मतलब था वैल्यू क्रिएट करना आसान नहीं है मेहनत लगती है एफर्ट्स आर इन्वॉल्व टू क्रिएट द वैल्यू और उसके बाद रर सर र का क्या मतलब है रिस्क ऑफ द प्रोसेस एंड रिस्क एपिटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिस्क झेल सकती है तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कहे कि यार पांच रुपए तक के जो भी खर्चे होते हैं ना उनको कर दिया करो बिना कवर तो हाँ, तो का क्या मतलब कवरेज ऑफ एरियाज इन द डिफाइन टाइम रेंज उसके बाद वी का मतलब वैल्यू शुड बी क्रिएटेड का मतलब एफर्ट्स इन्वॉल्व टू क्रिएट वैल्यू आर आर का मतलब है

रिस्क इन द प्रोसेस एंड लास्ट में क्या आएगा रिस्क एपिटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हे योर इंटरनल ऑडिट रिविजन इज ऑलमोस्ट डन डन आखिरी में आई से टाइम पास क्वेश्चन भी डाल रखा है आपके क्वेश्चन बैंक में फटाफट देखना ये कहता है इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसको हम रिपोर्ट करके चले तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कर दो ऑडिट कमेटी को कर दो सीईओ को कर दो सीएफओ को कर दो जिसको चाहो उसको कर दो तो एक्चुअल में किसको करना चाहिए सर इंडिपेंडेंट लोगों को करना चाहिए तो ये कहते हैं दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे रिपोर्टिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग और फंक्शनल रिपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग होती है नाम की रिपोर्टिंग जो ऑन पेपर होती है तो ऑन पेपर आप एग्जीक्यूटिव लोगों को कर लो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एमडी को कर रहे हो सीई को कर रहे हो सीएफओ को कर रहे हो ठीक है सर बट जब बात होती है फंक्शनल रिपोर्टिंग यानी एक्चुअल रिपोर्टिंग ये हम किसको करेंगे सर ये हम करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं तो ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा है मैं आपको फटाफट हूं कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ चार्ट में गो थ्रू कर दिया जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन पे सर दिस इज योर क्वेश्चन नंबर नंबर आई थिंक जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे कवर हो जाता है तो ये कह रहा है मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है रिपोर्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमिटी एम डी सीओ सी एफ ओ फिर आपने सेक्शन वन थर्टी एट के रेफरेंस देके इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन लिखने तभी याद कराई थी स्टार्टिंग में ठीक है सर उसके बाद यह कहता है कि आप जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग आप किसको कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर को कर सकते हो बट जब बात होती है फंक्शनल फंक्शनल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की ये आप ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही करोगे क्लियर okay. है बॉस क्लियर है सर तो मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफी है आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन मैंने जितनी कोशिश जितनी डिटेल में कोशिश कर सकता था रिवीजन कराने की उतनी कराई आपको इंटरनल ऑडिट की कहीं ना कहीं ही ना कहीं काफी टाइम लगता है बट आई होप यू एंजॉय दिस रिविजन मजा आया क्वेश्चन कवर साथ -साथ कर लिए एंड इतना ही टाइम मोटा माटी आपको सेल्फ रिविजन में भी लगना चाहिए तो लगभग अगर आपको एक से डेढ़ घंटा इंटरनल ऑडिट की फर्स्ट रिविजन में लग रहा है दैट इज मोर देन इनफ सो सो थैंक यू मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच सेशन विश यू द बेस्ट मजे से पढ़ो खुशी से पढ़ो क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे लगे रहो मित्रों लगे रहो टेक केयर ऑल